वृश्चिक राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन का अंत होने वाला है। अगर आज के इस वीडियो को अनदेखा किया तो जीवन भर पछताओगे दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने के चक्कर में, बर्बाद करने के चक्कर में और ग्रह शिकारी का यह संकेत मिल रहा है कि आज मैं आपको समझने का आवश्यकता है। और इसके साथ साथ ब्रह्मा ने भी लिख दिया है, आपकी किस्मत में छह बड़े खुशखबरी अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी को मिलकर रहेगी। परंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और सबसे पहले इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप सभी महत्वपूर्ण बातों को आसान पाएंगे। और यह अच्छे बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी है और इसे कैसे आप हासिल कर सकते हैं, सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट संकट समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, परंतु आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाने होंगे और इसकी आज की इस वीडियो का हमने निर्माण किया है, जो कि आपका ग्रह गोचर के आधार पर है और ज्योतिषीय आकलन करने के उपरांत ही हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी हम आपको देंगे वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। कारण इसका यह है कि यह जानकारी आपको आने वाली बहुत बड़ी खतरों से और मुसीबतों से बचा सकती है। आज हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसे खतरे के बारे में सचेत करेंगे जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है और इस जन्म में भी वह आपके साथ है, आपके आसपास ही है और आपको समय समय पर चोट पहुंचाता रहता है, परेशानी में डालता रहता है। अब समस्या यह है कि इसकी आपसे शत्रुता इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म की है। यह चाहकर भी आपका भला नहीं कर पाए, क्योंकि कर्म का विधान यह कहता है कि यह केवल और केवल आपसे शत्रुता निभाने के लिए ही इस संसार में आया है। तो अब ऐसे में यह आपके साथ रहकर भी हमेशा है और हमेशा आपका नुकसान ही करेगा, कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और हैं तो किस स्थिति में है। तो अब आप ऐसा समझते कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम है, तो ना केवल आपको इस सत्र के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचाया है और अब भविष्य में आप इससे कैसे बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम ना केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें इतना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीजों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही विफल ना होने दें, हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे
और आपके जीवन में सुख की और खुशियों की नदियां बहने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। ये प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही यह सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं, राज हैं। आपकी कमी यह है कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं। अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कभी कभी तो आप इस वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं कि आपने अपने दिल की छुपी हुई बात किसी से शेयर कर दी थी। तो कृपया कर इस बार आप ऐसा ना करें, बस सुने और समझे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इन लोगों के बारे में भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। हम इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। कुछ ऐसे कार्य आपको बताएंगे जो आपको भूल कर भी नहीं करने होंगे। प्यारे दोस्तों, ये तो सभी बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इन बातों को गहराई से कोई नहीं समझाता है। और कुछ ऐसे कार्य है जो पूर्ण रूप से बाधित होते हैं। उन कार्यों को करना यानी कि अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होता है, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई इन विषय पर बात नहीं करना चाहता है, सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाएं आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप पूरी भक्ति भाव के साथ माता शनि को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3 बार लिखें। और हम आपको बता दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम और स्थान के बारे में बताते हैं, हमें यह बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अब तक अपने नाम किए हैं, माता रानी की सीधी कृपा उनके पास पहुंचे, माता रानी उनका उद्धार करें। हम उनके नाम से आहुतियां अपने यहां शनिवार वाले हवन में अवश्य ही करवा देंगे। प्यारे दोस्तों, यही से तो प्रेम का बंधन बनता है, जब हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और आप भी हम पर पूरा विश्वास दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि माता रानी की हमने भक्ति की है, वह पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। जी हां प्यारे दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके जीवन के लिए रामबाण साबित होंगी, संजीवनी बूटी के सम्मान में आपको नई ऊर्जा देंगी, नया जीवन दे कि आपके जीवन में वैसे तो कई रिश्ते नाते हैं। आप सभी रिश्तेदारों को पूरे भाव के साथ सच्चे हृदय से निभाने की कोशिश करते हैं। किसी को भी आप किसी भी प्रकार से दिल से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहते हैं। और जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बेहद प्रसन्न भी रहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आपके दिल के बेहद ही करीब हैं। आप उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और उनके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हीं रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं, इन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती है। अब ऐसा नहीं है कि बीच जानबूझकर आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपके जीवन को नरक बनाना चाहते हैं। कभी कभी अनजाने में ही उनके हाथों ऐसे काम होते हैं कि आपके जीवन में पीड़ा है प्रारंभ हो जाती है, तकलीफ में शुरू हो जाती है। अब ऐसा होता ही क्यों है और इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती है। कहानी बेहद ही रोचक है और आपके जीवन से सीधे संबंध रखने वाली है, तो ध्यान से सुने। एक बार की बात है कि एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बाहर निकलते हैं और कोई रोजगार, कोई काम धंधा करेंगे जिससे कुछ धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और वापस आकर अपने घर वालों को भी सुख देंगे और खुद भी जीवन खुशियों से के साथ जिएंगे। बस ऐसा सोचकर दोनों दोस्त बाहर किसी बड़े शहर में चले गए। दोनों नितिन राधा वर्षों तक काम किया और खूब सारा धन कमाया,
अच्छा खासा धन कमाने के बाद फिर उनकी मंशा हुई कि अब अपने गांव वापस जाया जाए, अपने रिश्ते ना तो मैं अपना जीवन बिताया जाए, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा कम लिया था तो अब पैसे की कोई समस्या है ही नहीं, अब जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो अब दोनों ही दोस्त अपने गांव के लिए रवाना हुए। अब गांव लौटते लौटते बीच रास्ते में एक घना जंगल मिला और उस घने जंगल में ही रात भी हो गई। तो अब ऐसे में हुआ यह कि दोनों प्यारे दोस्तों ने उसी जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला लिया। अब एक दोस्त ने कहा कि मैं पास ही के किसी गांव में जाता हूं और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूं, तुम यहीं पर रुक और मेरी प्रतीक्षा करो और यहीं पर अपना धन भी संभाल कर रखना। ऐसा कह दूं तो पास ही के एक गांव में चला गया कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए और एक दोस्त वहीं पर रुक गया। जंगल में उस पेड़ के नीचे तो प्यारे दोस्तों जो दोस्त गांव में गया था खाना लेने के लिए, उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि इतना सारा धन हम लेकर जा रहे हैं, यदि इस खाने में मैं जहर मिला दूं तो मेरा भाई दोस्त मर जाएगा और उसका सारा धन मेरे हिस्से में आ जाएगा। अब क्योंकि हम घने जंगल में हैं, रात भी है तो कोई गवाह भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, और गांव में जाकर कह देंगे कि उसे किसी सांप ने डस लिया। बस इतना सोचने के बाद उसने खाने के सामान में जहर मिला दिया और अपने दोस्त को लाकर खिला दिया। फिर हुआ वही जो होना था, यानी कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। अब सारा धन इस दोस्त के पास आ चुका था जो बाजार गया था कुछ सामान लेने के लिए। अब जब सारा धन लेकर है वह अपने गांव पहुंचा रहा तो उसका जीवन खुशियों से भर गया, धन बहुत सारा था। सारे धन का आनंद लेना उसने शुरू कर दिया और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसके एक संतान उत्पन्न हुई, एक लड़का। प्यारे दोस्तों बचपन से ही वह लड़का बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी में लगातार पैसा खर्च होता जा रहा था और कहीं भी उसकी बीमारी का ठीक से इलाज हो नहीं पा रहा था। सारे डॉक्टर, सारे बैग, हर तरीके का उपचार करवा लिया, लेकिन उसकी बीमारी के बारे में ना तो कुछ पता चलता था और ना ही वह ठीक रहता था। लगातार बीमार रहने के कारण उसके इलाज में काफी सारा धन खर्च होने लगा है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा तो कभी वह ठीक रहता और कभी वह बीमार रहता। इस प्रकार लगातार बीमारियों के क्रम से उस इंसान के द्वारा लाया गया सारा धन उसकी बीमारी में ही खर्च हो गया। धीरे धीरे हुआ यह कि अब उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ चुकी, उसकी संतान लगातार बीमार रहती थी तो वह मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहता था, तो कहीं किसी नए काम में उसका कोई मन भी नहीं लगता था। अभी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही, जब वह इंसान एक बहुत मोटे कर्ज में दब गया। उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया और रात्रि के समय वह मृत संज्ञा पर पहुंच गया, यानी कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। तो जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक था तो उसका पिता, यानी कि वह एक दोस्त, उसके पास बैठा था। पास बैठे हुए बाई रो रहा था, उसके दिल में बहुत दर्द था क्योंकि उसकी औलाद उसके सामने ही मर रही थी। उसने अपनी बेटी से बड़ी भावनाओं के साथ कहा कि बेटे, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा नहीं पाया, मुझे इसके लिए माफ कर देना सुबह बेटा। इतना सुनते ही उस बेटे ने आंखें खोली और उसने कहा, कौन बेटा और कौन पिता, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसे तुमने चुपचाप जहर देकर मार दिया था। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, जितना धन तुमने मुझसे चोरी किया था वह सारा खर्च तो हुआ ही, उसी के साथ साथ उतना ही कर्जा भी तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरे जाने का समय आ गया। और इतना कहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी हमें क्या सिखाती है प्यारे दोस्तों? हमने चाहे कोई भी पापा किसी भी जन्म में किसी के साथ किया हो, कोई अन्याय किया हो, लेकिन कर्म का बंधन बना ही रहता है, वह हमारी आत्मा पर बंध जाता है। और हम जब भी कोई दूसरा जन्म धारण करते हैं तो वही पुराने हमारे हिसाब किताब इस जन्म में चुभता होते रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। ये प्यारे दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे दूर नहीं हो सकता,
यानी कि आप चाहकर भी उससे दूरियां बना नहीं सकते हैं, लेकिन वह आपके जीवन में बहुत परेशानियां खड़ी करता रहता है। अब ऐसे में होता है यह है कि वह आपका रिश्तेदार आपको चाहे जानबूझकर कष्ट ना थी तो हो, लेकिन परिस्थितियों का ऐसा निर्माण होता है कि हिसाब किताब बराबर होने के चक्कर में आप परेशान बने रहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह आपका इस पिछले जन्म का नाता है, यानी पिछले जन्म नाता है, यानी पिछले जन्म का हिसाब किताब है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम इस इंसान के बारे में आपको सारी बातें अब बताने जा रहे हैं। विस्तार से इसके संकेत, इसके लक्षण और इसकी आदतों के बारे में, दूसरा हम इसके नाम के बारे में भी बताएंगे। यह प्यारे दोस्तों, हम तीन नाम आपको बताएंगे। इन तीन नामों में से एक नाम निश्चित तौर पर इस इंसान का होगा जो कि आपकी राशि कहती है, आपके ग्रह कहते हैं, हम वही बोलते हैं लाल किताब के अनुसार। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझते चलिए, और आपने इन बातों को यदि ठीक से समझ लिया तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में फिर कोई परेशानी आएगी नहीं, और यदि आएगी भी इस इंसान की वजह से तो आप उसके लिए सतर्क हो जाएंगे। यह प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए, यह एक इंसान, ऐसा इंसान है जिसने आपको कई बार परेशान कर रखा है, मानसिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी यह आपको बर्बाद कर चुका है। आपका मन करता है कि आप इससे पीछा छुड़ा लें और आप इससे कहीं दूर चले जाएं या इसे ही अपने पास से दूर भगा दें, लेकिन प्यारे दोस्तों, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर दिल से इससे जुड़े हुए हैं, तो आप इससे दूरी भी बना नहीं सकते हैं, इसके बिना भी रह नहीं सकते हैं और इसके साथ भी आप रह नहीं पा रहे हैं। या प्यारे दोस्तों, परिस्थितियां ही ऐसी बनती जा रही हैं कि आपका जीवन इसके साथ रहकर भी कष्ट में गुजर रहा है और आप इसके बिना रहने के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, विचार करके देखिए, बड़े ही मन की बात, बड़ी ही अध्ययनों के बाद हम आपको यह सारी बातें बताने जा रहे हैं। ये इंसान आपके बनते हुए काम में रोड़े अटकाता है, आपकी हर कही हुई बात के खिलाफ जाता है, आपकी बात हमेशा काटने की कोशिश करता है, आपको ऐसा लगता है कि यह आपके विरोध में रहता है, फिर चाहे आप इससे अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, यह आपकी कोई भी बात नहीं मानता है। असल में देखा जाए तो यह आपके लिए मन विशेष कोई भाव नहीं रखता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और बुध का रिश्ता है, पिता और पुत्र का, जिसमें कि चंद्र पिता है और बुध पुत्र है, जिसमें कि चंद्र बुध के साथ में बड़ा प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं, लेकिन बुध चंद्र से शत्रुता रखते हैं, यानी कि एक तरफ तो प्रेम है और दूसरी तरफ शत्रुता है। यह रिश्ता एक दो धारी तलवार की तरह होता है, तो ठीक इसी प्रकार इस इंसान से आपका रिश्ता है। यह इंसान समय समय पर आपको रुपए पैसे को लेकर भी कई बार परेशान कर चुका है, घाटा पहुंचा चुका है, आर्थिक तंगी में डाल चुका है। और प्यारे दोस्तों, यह आपके अपने करीबियों में ही है या कोई आपका पराया नहीं है, अपना ही है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा इसका जो लक्षण है वह हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी यह इंसान आपके पास होता है तो आप हमेशा दोहरी भावनाओं में फंस जाते हैं, यानी तब तो आप इसके साथ रहना नहीं चाहती, इसके पास भी बैठना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ है, आप इससे दूर भी जा नहीं सकते हैं, आपकी मजबूरियां हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकती हैं? प्यारे दोस्तों, आपको अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा, यानी कि कोई भी काम बिना विचारे आपको नहीं करना है। इस इंसान पर आपको जितना हो सके उतना कम से कम निर्भर रहना है और इस इंसान को कोई भी जिम्मेदारी वाला कार्य आपको नहीं देना है। प्यारे दोस्तों, जो पूर्व जन्म के बंधन होते हैं उनमें कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बड़ी मदद देते हैं, हमारे मददगार साबित होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें केवल और केवल नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, परेशान करने के लिए आते हैं, और इनके साथ भावनात्मक खेल बहुत उल्टा सा होता है। प्यारे दोस्तों, जो आपका भला करना चाहते हैं, दिल से आपका भला चाहते हैं, आपकी जिंदगी में अच्छे अच्छे काम होते देखना चाहते हैं, उनसे आपका पर लगाव ज्यादा होता नहीं है, आप उनको देखा जाए तो ज्यादा भाव नहीं देते हैं, लेकिन जो आपके असली सत्र होते हैं पिछले जन्म के, उनसे ईश्वर आपका बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना देता है, यानी कि नुकसान आते हुए भी
परेशान होते हुए भी आप उनके हित में ही सोचते रहते हैं, उनके लिए ही जीते मरते रहते हैं। जैसे एक दीपक का रिश्ता पतंगे के साथ होता है, पतंगा अच्छी तरह से जानता है कि वह जल जाएगा, उसके पंख जल जाएंगे, तब भी वह बार बार दीपक की लौ के नजदीक जाता है। उसका प्रेम ही कुछ ऐसा ही, ईश्वर ने उसे इसी प्रकार बनाया है। तो आप समझ गए, और थोड़ा सा आपको कठोरता से और व्यवहारिक होकर सोचना पड़ेगा, तब आप इस तरह की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, हम इस इंसान की राशि और नाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस इंसान का नाम अक्षर से शुरू होता है और इसकी मेष राशि होती है दूसरा स्थान, चा अक्षर से शुरू होता है और इसकी वृश्चिक राशि होती है, और तीसरा इसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है और इसकी कुंभ राशि होती है। यह प्यारे दोस्तों, हमने तीन नाम आपको इसीलिए बताए हैं कि यह एक ही इंसान के तीन नाम भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग लोगों के नाम भी हो सकते हैं। फिलहाल आपकी राशि यह बताती है कि इस समय आपके जीवन में इन तीन नाम वाले लोगों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपके लिए नई मुसीबत है खड़ी होने वाली है, बनते काम में रुकावटें आएंगी, परेशानियां आपको चारों तरफ से करेंगी, सतर्कता ही आपका बचाव रहेगा। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, फिर से यही कह रहे हैं। और दूसरा, प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप दैवीय शक्तियों को जागृत कर लें, अपनी कुलदेवी को अपने हित के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए जागृत कर लें, उनकी पूजा पाठ करें, विधि विधान के साथ करें, तब आपकी हर हालत में रक्षा होगी, आपका जीवन बचेगा और आपका उद्धार होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं है, तो उनके लिए हम एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जिसमें केवल 7 दिनों के अंदर आपकी कुलदेवी आपको सपनों में आकर अपने बारे में बताएंगे, संकेत देंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको जानकारी अवश्य देंगे, और फिर आप उनका अपने घर में स्थापित करें और विशेष विधि विधान से पूजा पाठ प्रारंभ करें, तभी आपके जीवन का उद्धार है, अन्यथा आपको परेशानियों से कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है। या प्यारे दोस्तों, ने पिछले ज्योतिष कार्यक्रम में भी कहा था कि जिन लोगों को इस उपाय के बारे में जानना है वो कमेंट करके बताएं, तो ढेर सारे कमेंट आए कि आप कुलदेवी के बारे में हमें उपाय बताएं, रास्ता दिखाएं। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय जिसमें कि आपको हम कुलदेवी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी कुलदेवी की जानकारी मिलेगी, अब ध्यान से सुनिए। यह उपाय शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होगा, तो शुक्रवार के दिन आपको सुबह जल्दी नहा धोकर शुद्ध होकर अपने पूजा घर में जाना है। पूजा घर में जाने के बाद आपको एक साबुत सुपारी लेनी है, सुपारी देवी का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। प्यारे दोस्तों, अब याद रखेगी, सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। अब इस सुपारी को आपको अपने पूजा घर में रखना है, यानी जिस अलमारी में भी आपने भगवान की स्थापना की है उसी अलमारी में आपको इस सुपारी की भी स्थापना करनी है, देवी का आवाहन करना है, अपने मन में कहना है कि ही देवी, हमें आपके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हम ठीक हैं, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और आप हमारे घर पधारें। सुपारी को जब आप वहां पर रखेंगे तो आपको याद रखना है कि नीचे आपको लाल रंग का आसन बिछाना है। लाल रंग के आसन पर बिछाने के बाद आपको सुपारी रखनी है और सुपारी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है। जल चढ़ाते समय आपको यह ध्यान करना है कि माता, हम आपको जल्द समर्पित कर रहे हैं, कृपया करके ऐड करें। उसके बाद आपको माता को एक धागा समर्पित करना है, मौली का धागा होना चाहिए, और जब आप धागा समर्पित करें तो मन में कहते जाएं कि हे माँ, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। इसी प्रकार का सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे माँ, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा कर ग्रहण करें। इसके बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, दीपक का होना चाहिए, ध्यान रखना है, आपको तांबे का, मिट्टी का या आटे का नहीं होना चाहिए, पीतल के दीपक, मैं आपको गाय का घी डालकर दीपक जलाना है। और इसके बाद हाथ जोड़कर माता का स्वरूप सुपारी को मानकर मन ही मन यह स्पष्ट करना है कि माते, हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें, हमारी रक्षा करें, हमारी कुल की रक्षा करें और हमारे घर में स्थान ग्रहण करें, कृपा करें, हम अबोध बालकों को अपने संकेत दे
हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम आपसे पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तो किसी न किसी रूप में हमें संकेत दे, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे किसी अन्य प्रकार से। अब जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो वह सुपारी जो है वह मातृशक्ति का शुद्ध स्वरूप बन जाएगी। अब आपको रोज सुबह शाम नहा धोकर स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ इस सुपारी का कुल देवी को मानकर ही पूजन करना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी कि जो दहलीज है उसके ठीक बीचों बीच आपको एक कुलदेवी के नाम का ही दीपक जलाना है और दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये प्यारे दोस्तों, ये प्रक्रिया आपको 7 दिनों तक लगातार करनी होगी। सुबह शाम अखंड होनी चाहिए, बीच में एक भी बार खंडित नहीं होनी चाहिए। व्याप्त हां नहीं आना चाहिए। दूसरा कि इस प्रक्रिया को करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। अब क्योंकि देवी मातृशक्ति हैं, तो किसी भी स्त्री का आपको भूलकर भी अपमान नहीं करना होगा। ऐसे में आपकी परीक्षाएं ली जाएंगे। प्यारे दोस्तों, की देवी देवताओं की कृपा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, तो आपकी कई बार परीक्षा ली जा सकती है, यानी कि कोई स्त्री आपका अपमान करेगी। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कष्ट पहुंचाए, आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करें, तो ऐसे में आपको क्रोध भी आ सकता है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। महिलाओं को तो भूल कर भी अपमान ना करें, यह आपके लिए चुनौती होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जरूरत से अधिक किसी से चर्चा ना करें, विवाद ना करें, नकारात्मक वातावरण से दूर रहें, जुआ शराब और किसी भी अन्य प्रकार के व्यवहार और अन्य नकारात्मक चीजों से दूर रहें। यह दोस्त जितना हो सके उतना सात्विक रहे, मन को सकारात्मक भाव से भरी रहे और जितना हो सके उतना दिन में जब भी आपको समय मिले देवी से यह प्रार्थना करें कि ही देवी हमें रास्ता दिखाएं, अपने होने का एहसास कराएं। हमें किसी न किसी माध्यम से दर्शन कुछ न कुछ संकेत है। आप मन ही मन यह प्रार्थना करते रहे। प्यारे दोस्तों, 7 दिन के अंदर अंदर देवी आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे। जहां तक है, ऐसा देखा गया है कि अक्सर जातकों को सपने के माध्यम से देवी के दर्शन होते हैं। ये किसी न किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हो जाता है। लाल किताब में इस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी कुलदेवी के बारे में, जिनके बारे में वह पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, उनके बारे में पता लगाया है। और प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि जिन जातकों ने अपनी कुलदेवी का पूजन शुरू कर दिया है, उनके जीवन में ऐसे चमत्कारी और भव्य परिवर्तन आए हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यानी कि उन्होंने यदि यह सोचा था कि उनका काम धंधा अच्छा चले और उनका जीवन आसान हो जाए, तो आसान होने के बजाय आज उनके लाखों करोड़ों का कारोबार हो गए। किसी के ऊपर बहुत कर्जा था तो उनका कर्जा तो उतर ही गया, उल्टा उनके पास इतनी आमदनी और इतना पैसा आ गया कि अब वे अपने जीवन को भोग विलास के साथ, खुशियों के साथ जी रहे हैं। और कुल देवी की महिमा के बारे में तो फिर बखान ही क्या करना, कहना ही क्या। प्यारे दोस्तों, आप खुद अजमाई हैं इस उपाय को और फिर आप इसका परिणाम क्या होता है आपके जीवन में इसके बारे में अनुभव करिए, उसके बाद हमें कमेंट करिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको पता ही है, ये आपकी जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाए कि आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगी। हमने बड़ी मेहनत से इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाया है, तो आप हमारा सम्मान करें, मनोबल बढ़ाएं, ज्योतिष कार्यक्रम को लायक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट में माता को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपके लिए अदाओं के हर रास्ते को तोड़ डालेगी, सफलता के हर मार्ग को आपके लिए खोल देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।